तुम्हारा जो भी डिसीजन है वो प्रिंसिपल मैम को बता दो, एवरीबडी इज वेटिंग। जो भी फैसला लेना बहुत सोच समझ के लेना, अपनी जिद और अकड़ को साइड में रखें, क्योंकि तुम्हारे इस डिसीजन पे हमारी बाकी का फ्यूचर डिपेंड करता है। मम्मी, आप वही करिएगा जो आपका दिल कह रहा है। और आप ही तो कहती है ना, गलत रास्ता हमेशा आसान होता है और सही रास्ता हमेशा मुश्किल, लेकिन सही तो सही रास्ता ही होता है ना। मैडम, और माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं इस विश्वास के साथ कि वो वहां सुरक्षित है। उनकी आंखों का तारा भले ही उनकी आंखों से दूर है, पर सुरक्षित तो है। पाप, बेटी की पढ़ाई जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है बेटी की जान। जिसे सजा नहीं मिलती उसे सीख भी नहीं मिलती। इसलिए मैडम, मैं ना तो अपनी लापरवाही छुपाऊंगी और ना ही स्कूल प्रशासन की गलती। मिस शाह, आई अंडरस्टैंड, आप पर अब भी उस हादसे का बहुत गहरा असर है। मैं सिर्फ आपसे इतना रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अच्छी तरह से सोच समझ कर अपना फाइनल डिसीजन मुझे कल सुबह तक बता दीजिए। चलती हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। मैडम, मैं गलत नहीं हूं और आप ये जानती हैं। मैं सिस्टम को भी जानती हूं। साइन कर दे बहू। महान बनने की जरूरत नहीं है, साइन करो एंड एंड दिस नॉनसेंस। प्लीज मिसेस शाह, साइन कर दीजिए, ये आपके लिए भी अच्छा होगा और स्कूल के लिए भी। प्लीज मम्मी, वरना वो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। नो मैम, प्लीज साइन मत करना। उनके मिस्टेक की वजह से हम सब चल जाते। उन्हें परी में मिलनी ही चाहिए। मेरी बेटी आपको अपना आइडियल मानती है मिसेस शाह। अगर आप इस सिस्टम के सामने घुटने टेक देंगी तो मेरी बच्ची का दिल टूट जाएगा। मत कीजिए ऐसा मिसेस शाह, प्लीज मत कीजिए। गरमा गरम नाश्ता तैयार है। I'm so hungry. You? पोहा? ये मैंने नहीं बनाया। हाँ, मैंने बनाया है। So yuck. Sweetie. It's okay, मम्मी. आपके जितना अच्छा नहीं बना होगा। ठीक तो है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? अच्छा क्या है इसमें? लगता है काव्या के कॉर्नफ्लेक्स खा करके तुम बोहे का टेस्ट भूल गई हो। टेस्टी तो नहीं है इसमें भाई। तू खा, इन लोगों का तो चलता रहेगा। पर बाप, स्वीटी टेस्टी नहीं, एफर्ट्स भी देखने चाहिए। अब जब भाभी ट्राई कर रही है तो उनको अप्रिशिएट करना सीखना। वाओ विंटर, तू भी किंजू किंजू करने लगा। मम्मी और तोशु भाई तो किंजल भक्त थे, तूने भी किंजल फैन क्लब ज्वाइन कर लिया है ना? स्वीटी, ये क्या तरीका है भाई से बात करने का? और तुझे समझाया था ने, किंजल तेरी भाभी है। पर इस घर में भाभी सिर्फ भाभी नहीं, सब कुछ है। और बेटी कुछ भी नहीं। मम्मी, मैं यहाँ आपके लिए आई थी, बट अब लगता है इस घर में मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है।
स्वीटी स्वीटी कहाँ जा रही है? खाना छोड़ के नहीं जाते हैं स्वीटी। स्वीटी देखा, तूने किंजल की तरफदारी की और पाखी से बर्दाश्त नहीं हुआ। अब सोच, पाखी की जगह तू स्कूल के बच्चों के बारे में सोचेगी तो वो बर्दाश्त कर पाएगी? अभी तो वो तुझसे गुस्सा है। जब उसे पता चलेगा कि तेरी वजह से उसको स्कूल से निकाला गया ना, तो वो तुझसे नफरत करने लगेगी। अरे उसे चैन से खाने तो दो। मैं कहा इसके मुँह से निवाला छीन रही हूँ, समझा रही हूँ। समझ जाए तो ठीक है, अगर गुस्से में पाखी ने कोई उल्टा सीधा कदम उठा लिया ना तो इसके जिम्मेदार तू रहेगी। अरे बता ना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। इस पे साइन कर दो, और साइन नहीं कर सकती तो अंगूठा लगा दे। क्या है ये? प्रिंसिपल ने दिया है। जो बातें उन्होंने कल यहाँ पे आके कही थी वही लिखा है इसमें। स्कूल में जो भी हादसा हुआ उसका इल्जाम अपने सर पे लो एंड जस्ट फिनिश दिस नॉनसेंस। मैं भी इसे कल से यही समझा रही हूँ। पर मैं कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, ना तुमसे मैं कुछ पूछने आया हूँ और ना ही कोई डिस्कशन करने आया हूँ। Just sign this damn paper and finish this nonsense once and for all. ये लो। सोच क्या रही हो? तुम मुझे सेल्फिश कहती थी? Look at yourself. भले ही पाकी का साल बर्बाद हो जाए लेकिन तुम्हारी ईगो पे आंच नहीं आनी चाहिए। वनराज सही कह रहा है, अपना नहीं हमारा नहीं, अपने बेटी के बारे में तो सोच। तुम लोग क्यों उसे मजबूर कर रहे हो? उसे जो फैसला लेना होगा वो लेगी। ये फैसला नहीं बेवकूफी होगी बापूजी। अगर अनुपमा ने स्कूल मैनेजमेंट की और प्रिंसिपल की बात नहीं मानी तो वो लोग उसे स्कूल से निकाल देंगे और पाखी का पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। What? मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा? अगर तुम्हारी माँ ने ये पेपर साइन नहीं किया तो। मम्मी आप सोच क्या रहे हो? जस्ट साइन, प्लीज डोंट डू दिस टू मी। स्वीटी मेरी बात तो सुनो। नो मम्मी, आप मेरी बात सुनो। अगर मुझे स्कूल से निकाल दिया गया तो मेरा पूरा साल खराब हो जाएगा, मेरे फ्रेंड्स मुझसे आगे निकल जाएंगे, मुझे कहीं एडमिशन भी नहीं मिलेगा। मम्मी आप तो मम्मी है ना, व्हाई यू आर डूइंग दिस टू मी? बाकी बेटा मम्मी की बात भी तो सुन। बाकी गलत नहीं कह रही है बापूजी, प्रिंसिपल की बात ना मान के अनुपमा बहुत बड़ी गलती कर रही है। Exactly. मम्मी आप इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हैं? स्वीटी, इस वक्त सेल्फिश तू हो रही है, सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। क्यों ना सोचूं? अगर मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में नहीं सोचेंगे तो मुझे खुद ही सोचना पड़ेगा ना। मम्मी आपने फैमिली तो खराब कर ही दी, अब मेरी लाइफ खराब मत कीजिए। मम्मी इस पर साइन करो अभी के अभी, प्लीज। मम्मी इस पे साइन करो, मेरी लाइफ खराब मत करो प्लीज। मम्मी जस्ट साइन, मम्मी प्लीज। स्वीटी तू भी उस वक्त वहां थी ना, तूने देखा था ना कि बच्चों की क्या हालत थी। अगवा ना करे, उन बच्चों में अगर तू भी होती तभी क्या तू मुझे साइन करने के लिए कहती? जो उन बच्चों के साथ हुआ वो तेरे साथ या किसी और बच्चे के साथ ना हो, इसलिए मैं लौटना चाहती हूँ। बेटा मैं तेरी जान के बारे में, सारे बच्चों की जान के बारे में सोच रही हूँ, और तुझे अपने साल की पड़ी है। एक साल पूरी जिंदगी से बहुत छोटा होता है स्वीटी। पर ऐसा जरूरी तो नहीं ना मम्मी, जो हो चुका है वो दोबारा होगा। स्कूल वाले आगे से ध्यान रखेंगे। इनफ डिस्कशन ऑलरेडी, आप इस पे साइन करो बस। स्वीटी मेरी बात तो सुन। पापा
पापा आप ये फॉर्म प्रिंसिपल मैम को देकर कह रहा कि मम्मी सारे ब्लेम अपने ऊपर लेंगी। शी इज अ मदर और एक मदर अपने बच्चे के लिए सब कुछ करती है। शी हैज टू, इट्स अ ड्यूटी। शुक्र है भगवान का ये नाटक अभी खत्म तो हुआ। यू आर राइट।